ये कलरफुल कोस्टर मैंने कैसे बनाया और ये पॉम पॉम वॉस भी मैंने कैसे बनाया है, तो आए वीडियो को देखते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनाब्या एंड यू आर वाचिंग अनाब्या आर्ट्स। तो ये कुछ पॉप्सिकल है मेरे पास, इन पे पहले से ही कलर किया हुआ था। मैंने दो कलर चूज़ किए हैं, पर्पल और पिंक। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले सकते हो। पहले इनको हॉरिजॉन्टल रखना है और उसके ऊपर वर्टिकल रखना है। आप चाहो तो पहले वर्टिकल रख दो, फिर उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल करके रख दो। उसके बाद कोई भी अच्छा सा ग्लू ले लो, मेरी ग्लू गन फेवरेट है, मैं यही ग्लू यूज़ करती हूँ। आप उसको इस तरीके से वन बाय वन पेस्ट करो। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे 5,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन उनमें से 100 लोग भी मेरी वीडियो नहीं देखते, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंट है। अब मेरे पास उन लोगों का नंबर तो है नहीं कि मैं उनको बोलूं कि प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप मेरी वीडियो तो नहीं देखते हो। अब हम दूसरा क्राफ्ट शुरू करते हैं। ये एम्प्टी बॉटल बाम की है, जो कि मैंने बहुत ही संभाल के रखी थी। ये प्लेट जो मैं दिखा रही हूँ, जिसमें पॉम पॉम डाल रही हूँ, ये भी मैंने पेंट की है। इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ग्लू गन की हेल्प से हम ये सारे पॉम पॉम वन बाय वन यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। अब बारी आ जाती है बॉटल के ऊपर वाले हिस्से को डेकोरेट करने की। तो ग्लू गन की हेल्प से मैं इस पे जूट ड्रॉप लगा रही हूँ। आप चाहो कोई सीक्वेंस लगा सकते हो, कोई मिरर्स लगा सकते हो, कोई रिबन लगा सकते हो, या कोई और टाइप का थ्रेड लगा सकते हो। मुझे जूट ड्रॉप ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने ये लगाई है। अच्छा, अब मेरे पास ये टूटा हुआ वॉस पड़ा हुआ है, जो कि मैंने वीडियो में पेंट करके बताया था। उसको हम कट करके अंदर लगाएंगे और इसकी स्टेम्स में हम लगा देंगे पॉम पॉम। ये सारी वीडियोस मैंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाई है, तकरीबन कोई भी मैंने ख़रीदी नहीं है चीज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो स्टार्ट में मैंने बात बोली कि सब्सक्राइब तो करते हैं लोग, लेकिन वीडियो को देखकर लाइक नहीं करते, तो ये बात सच थी। लेकिन जो लाइक करते हैं वीडियो, उनको दिल से थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।